बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो जनरल नॉलेज का पोर्शन है। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन पंजाब देयर आर डेजर्ट हैं, पंजाब में कितने सहरा हैं? 2, 3, 4, 5। इसका करेक्ट आंसर है वो है 2। ये थल और ये थर का है जो हमारा रेगिस्तान है। फर्स्ट टीवी स्टेशन इन पाकिस्तान वाज मेड 1963, 1964, 1965, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है वो है 1964। ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का पुराना बैराज कौन सा है? गुड्डू बैराज, पांजनंद बैराज, सखर बैराज, नन ऑफ दिस। जिसका करेक्ट आंसर है वो है सखर बैराज। और ये एक अनोखी तर्ज का बना हुआ बैराज है। आदम पीक इज लोकेटेड इन कंट्री, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश। ये जो आदम पीक है ये है श्रीलंका में। शबे मेराज फाज आन 27 रमदान, 27 रजब, 27 शवाल, नन ऑफ दीज। जो इसका करेक्ट आंसर है यह है 27 रजब। ये शबे मेराज वो है जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक से मुलाकात हुई और इसके तोहफे में अल्लाह ताला ने हमें नमाजें दी। किस्सा सोनी महवाल रिटन बाय फजल शाह, वारिस शाह, शाह हुसैन, नन ऑफ दीज। जिसका करेक्ट आंसर है वो है फजल शाह। चौबर्जी वाज बिल्ट बाय किंग, ये चौबर्जी जो है लाहौर में है, लाहौर फोर्ट में है। जहांगीर बादशाह, शाहजहां, औरंगज़ेब, नन ऑफ दीज। जिसका करेक्ट आंसर है यह है शाहजहां। शाहजहां ने यह चौपर्जी बनाई थी लाहौर में। इंडिया विंस फ्रीडम रिटन बाई, के इंडिया जो है ना वो आज़ादी जीत जाएगा, और किसने लिखी? कायदे आज़म ने, अलामा इकबाल ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने। जिसका करेक्ट आंसर है वो है अबुल कलाम आज़ाद। रिवर नील ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड, किसको कहा जाता है रिवर नील ऑफ पाकिस्तान? जिसके ऑप्शंस हैं इंडस, रावी, चनाब, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है वो है इंडस। दरियाए सिंध को हम नील ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। खानपुर मास्क ट्रेजेक्टरी टुक प्लेस, ये 1900 खानपुर मास्क का जो हादसा हुआ ये कब हुआ? 1910, 1911, 1913, 1913। इसका करेक्ट आंसर है ये है 1913। और इसमें 313 लोगों को नाजायज़ कत्ल किया गया था।